भारतीय संस्कृति को बचाने आए संत। कोरोना काल में सोशल मीडिया फेसबुक और यूट्यूब ऐसे प्रमुख प्लेटफॉर्म रहे जिनसे देश की बड़ी आबादी जुड़ी हुई है। मौजूदा वक्त में हर वर्ग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। सोशल मीडिया फेसबुक पर अश्लील चित्र वीडियो की भरमार ही हो गई है। मॉरिशस से आए डिवाइन श्रीराम इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के स्वामी डॉक्टर उमाकांत सरस्वती महाराज ने कहा कि सोशल मीडिया पर उक्त अश्लील सामग्री ग्राहकों पर जबरदस्ती थोपी जा रही है। अश्लीलता भी इस किस्म की होती है कि कई बार परिवार के साथ बैठे भी अपने आप को शर्मिंदा होना पड़ता है। सोशल मीडिया पर परोसी जाने वाली अश्लीलता से किशोरों के मन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। भारत की आने वाली पीढ़ी खराब हो रही है। कोरोना काल में पढ़ाई की आड़ में यह सब कुछ आम हो गया है। समय की मांग यही है कि सोशल मीडिया से अश्लील सामग्री को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए। इस गंदगी के खिलाफ समाज को भी उसे नकारने के लिए आगे आना चाहिए। दायित्व है और हमारा प्रयास ये है कि हम प्राचीन कालीन उस शाश्वत विद्या को, योग की विद्या है, आयुर्वेद की विद्या है, जीवन जीने की विद्या है और मानव जीवन की गरिमा समझने की और संस्कृति को अपने जीवन में अपनाने की जो कला है उसको हम शाश्वत रूप से पूरे विश्व में फैलाएं, जिसके लिए लगभग 40 देशों में हमारी ब्रांचेज अभी है और अनेक देशों में शिष्यों का आग्रह है और उन्होंने 100-200 एकड़ व्यवस्था की है अमेरिका जैसे न्यूजीलैंड में जहाँ बनाना है सेंटर। मॉरिशस में ऑलरेडी 25 एकड़ में आश्रम है जहाँ नेचुरल है। एक फेज 20 एकड़ का है, 20 फीट नीचे जाएंगे तो वो 20 एकड़ है, आखिरी में जाएंगे तो 100 मीटर नीचे जाना पड़ेगा और एक गुफा है, 30 मीटर मुहाने का गुफा है नेचुरल। पूरे मॉरिशस देश में एक ही जगह है जहां गुफा है और अंदर जाएंगे छोटा सा पहाड़ है और उस पर हम लोगों ने वैष्णो देवी की स्थापना की है। तो हमारा शाश्वतम आश्रम शांति निकेतन ऐसा नाम है, वो मॉरिशस का एक तीर्थ बन गया है गवर्नमेंट के तरफ से भी। तो रोज 10-20 बस लोग वहां दर्शन करने आते हैं तो, और नेचुरल है, 200 नारियल के पेड़ लगे हैं, सब तरह के फल हैं। तो शाश्वत विचारधारा हमारा कोई अलग से नहीं है, हमारे उपनिषद, हमारे वेद, हमारे पुराण।